बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने बबल बंद बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और ये बच्चों को भी आप जो है ना काम पे लगाएंगे। बच्चे भी इसको बहुत शौक से करेंगे और ये बहुत आसान है। आपने इसको लाजिम बनाना है और देखेंगे कितने ज़बरदस्त बने अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हमारे माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, देखें अल्हम्दुलिल्लाह, देखें इसकी जाली कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी बनी है। तो आपने इस वीडियो को जो है ना पूरा देखा करें और हमें कमेंट भी किया करें प्लीज़। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं बहुत ही मज़ेदार और आप सबके लिए सरप्राइज़ रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। जिसके लिए मैंने जो है ना 2 कप मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून ही मैंने जो है ना इसमें मिल्क पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून ही इसमें शुगर जाएगी, 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें ईस्ट जाएगी और 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 2 टेबल स्पून भर के घी ऑयल जो भी बटर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो ये 1 अदद अंडा, पानी या दूध वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप दूध भी ले सकते हैं पानी भी ले सकते हैं। और अब इस बोल में जो है ना मैं 1/4 कप इसमें पानी शामिल करूंगी। नमक 1/2 टीस्पून, ईस्ट 1 टेबल स्पून और शुगर, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नॉर्मल पानी लिया, गर्म नहीं है, ठंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसी तरह मैंने पानी ले लिया नॉर्मल वाला पानी। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, अपने सारी जो चीज़ें हल हो गई हैं। तो अब इसके दरमियान में मिल्क पाउडर भी ऑप्शनल है, आप इस डालना चाहें तो डालें, ये सिर्फ सॉफ्टनेस के लिए कि इसमें ये बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। और अब जो है ना अपना 1 अदद अंडा कलर के लिए है, और 1 टेबल स्पून ऑयल इस टाइम पर शामिल कर दूंगी। अब ये देखिए मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है और साथ ही अब अपना थोड़ा थोड़ा जो है ना ये पानी ये हम इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करेंगे, सारा एक साथ नहीं डाल देंगे। मैंने पहले जो है ना 1/4 कप पानी लिया है मेरा, इसमें 1/2 कप पानी लगा है। तो आप जो है ना अपने मैदे के हिसाब से जो है ना पानी डाला करें कि कम या ज़्यादा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपने जिसमें वो चीज़ें सारी डाली हैं वो आप थोड़ा ही पानी लिया करें और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो आप बाद में ले सकते हैं। तो मैं अब इस टाइम पर ऑयल शामिल करूँगी जो कि मेरा 1 टेबल स्पून रह गया था। इसको अब तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूँध लूँगी। मैंने इसको तकरीबन जो है ना 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंद लिया। अब इसको मैंने जो है ना अपने इसी बोल को मैंने दोबारा से जो है ना ऑयल लगा के इसके अंदर इसको भी ऑयल लगा दिया। अब तकरीबन इसको मैं 4 घंटे के लिए रखूंगी कि ये राइज हो जाए। तो फिर उसके बाद हम इसका प्रोसीजर अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। ये देखें हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त राइज हो गया। तो 4 घंटे के बाद मैंने इसको जो है चेक किया, हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा राइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको अब जो है ना थोड़ा सा एक बार फिर इसको मसल लेंगे हाथ से। ये देखें इसको हम अपने पैन को ग्रीस कर लेंगे नीचे से, बटर से भी आप कर सकते हैं, ऑयल से भी कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, जिस चीज़ से भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये देखें आप इसके हम छोटे छोटे से बॉल बबल बन बॉल बनाने लगी हूँ जो कि बच्चे भी बहुत ही मज़े से
जो है ना इस सबको बनाएंगे, छोटे बड़े जैसे भी हो बनाए आप, बनाते जाएं और इसको इस ट्रे में रखते जाएं। ये छोटे बड़े जिस तरह के भी बने आपने, बस इसको इस बार इसको बनाते जाना है और इसमें रखते जाना है इस ट्रे में। मैं बस इसी तरह से इन सबको बना लूँगी और ट्रे में सेट कर लूँगी। अगर आपके हाथ को ये चिपक रहा हो तो आपने थोड़ा सा अपने हाथ पे ऑयल लगा लेना है, तो फिर ये नहीं चिपकेगा। और नीचे से आपने इसको इस तरह से टाइट कर लेना है, तो फिर इसको आप इस तरह से इसकी बॉल बना लेंगे। देखें इसी तरह से मैं सबको अब रेडी कर लूँ। ये देखिए इसमें आपने छोटे बड़े बस आपने इसमें रखते जाना है, बनाते जाना है और रखते जाना है, और बस आपने जब इस तरह करना है तो नीचे से इसको टाइट कर देना है इधर से, और फिर इसको इस तरह करेंगे। ये देखें इस तरह से मैं सबको अब रेडी कर लूँगी। ये देखें मैंने सब इसी तरह से बाल बना लिए। आप जैसे भी चाहें, जिस तरह भी चाहें आप बना सकते हैं। आप इसको मैराइज होने के लिए तकरीबन एक घंटे से, एक घंटा अगर लगा तो एक घंटे के लिए, वरना आधे घंटे के लिए मैं इसको रखूँगी और ये थोड़े से राइज होंगे फिर इसको हम बनाना शुरू करेंगे। मैंने एक घंटे के लिए रखा है और मेरे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से देख के राइज हो गए हैं, तो मैं अब इसके ऊपर जो है ना दूध लगाने लगी हूँ। इसके ऊपर कलर अच्छा आएगा बहुत ही प्यार से, और आराम से हम इसके ऊपर दूध लगा देंगे। ये देखे मैंने माशाल्लाह सारे सबके ऊपर जो है ना दूध लगा लिए, तो अब मैं इसको जो है ना मैं इसको विदाउट ओवन बनाने लगी हूँ। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, तो मेरा जो पैन है वो मसाला फ्री हीट हो गया, तो मैं इसको इसमें रख दूंगी। तो मैं तकरीबन इसको जो है ना 25 मिनट के लिए बेक करूंगी। आप अगर इसको ओवन में बनाएं तो आपने इसको जो है ना 180 पर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए आप इसको बनाएंगे। देखिए हमारा माशाल्लाह ऊपर से जो है ना बहुत जबरदस्त कलर आया, जहाँ पर ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए जहाँ पर दूध नहीं लगा वहां पे इतना अच्छा कलर नहीं आया, बाकी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जो है ना कलर आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसके ऊपर मैं इस तरह करूंगी कि मैं इसके ऊपर बटर लगाऊंगी। ये मैंने ये देखिए बटर ली है, तो इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। फिर इसके ऊपर से हम चूल्हा बंद कर दिया। मैंने मुझे तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे हैं, तो आप भी चेक करते रहिएगा और जिस टाइम पर हो जाए तो आप इसको जो है ना ऊपर से इसका चूल्हा बंद कर दूंगी नीचे से, और ऊपर से इसको कवर कर देंगे और इसको हम रख देंगे। फिर ये तकरीबन एक घंटे के लिए इसको रखेंगे, ये ठंडे हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लुक। ये देखिए मैंने सबके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बटर अप्लाई कर दिया। अब इसको मैं तकरीबन जो है ना एक घंटे के लिए रख दूंगी, ये ठंडे होंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने पतीले से एक घंटे के बाद निकाले, ये ज़बरदस्त से ठंडे हो गए हैं, और देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं माशाल्लाह, बहुत सॉफ्ट बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। मैं अब इसको इससे निकाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने माशाल्लाह निकाल लिया, बहुत ही आसानी से निकल आए थे, और ये बहुत ही सॉफ्ट बबल बंद बने। आपने इसको लाजी बनाना है, तो आप बस इसको जो है ना तोड़ते जाएंगे और ये टूटते जाएंगे, और फिर आपको तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितने ज़बरदस्त और सॉफ्ट सॉफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं। तो आपने भी इसको लाजमी बनाना है। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट।